हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुंदरिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अलग ही तरीके का न्यू मॉडर्न स्टाइलिश लुक लेके आई हूँ, जो कि हम लहंगा जो होता है उसे क्रिएट करेंगे और उस पर जो है हम अलग अलग तरीके से पल्लू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक लुक कैसा लगा फ्रेंड्स, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, मेरे हाथ में ग्रे कलर की साड़ी दिख रही है। बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है और शिफॉन की साड़ी है। ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस की हुई है। तो सबसे पहले जो है तो मैंने मेरा पेटीकोट जो है तो हम पहन लेंगे और उस पर जो है हम इस तरीके से इसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हुए हमारे पल्लू को पीछे से डालेंगे। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, तो हम जिस तरीके से हमारे प्लेट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो है हमारे प्लेट्स बना लेनी है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा और इसको हम अच्छे से हमारे कमर में टक इन कर देंगे। और ये जो लुक है बहुत ही अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है और एक थोड़ा सा अलग तरीके का लुक है, तो बहुत ही सुंदर आप पर ये जचेगा, उभर कर आएगा। देखिए, यहाँ पर जो है हमने प्लेट्स को कमर में टक इन कर लिया था। इस तरीके से हमें जो है इसे हमारे कमर में आगे वाले साइड पर ही इसे इस तरीके से फैलाना है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है और बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे तरीके से लहंगा क्रिएट करता है और बहुत ही सुंदर लगता है। समझ में भी नहीं आता कि किस तरीके से ये क्रिएट किया है। इस पर हम अलग अलग पल्लू लेंगे तो बहुत ही उभर कर दिखेगा और आप देखिएगा आगे बहुत ही सुंदर लुक इससे क्रिएट होता है। अब जो है इस तरीके से हमें हमारा लहंगा लुक क्रिएट कर लेना है और सिंपल तरीके से यहाँ पर जो है हम जिस तरीके से हमारा पल्लू शोल्डर पर डालते हैं तो हम प्लेट्स बनाते हैं, उसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर प्लेट्स बना लेने हैं। तो इस तरीके से देखिएगा फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से और दोनों तरफ से बॉर्डर जो आई हुई है इस तरीके से, और पल्लू को जो है हमें थोड़ा सा ढीला ही छोड़ना है, ज़्यादा टाइट या अपर हमें जो है ड्रैप नहीं करना है। देखिए इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है मेरा टॉप निकाल दिया है और ब्लाउज़ पहन लिया है और उस पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आगे से लगता ही नहीं है कि ये साड़ी लुक है या आगे से यहाँ पर जो है तो लहंगा लुक क्रिएट होता है। और पीछे से भी हम देखेंगे तो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से ये हम करेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। आप इसको जो है किसी भी पार्टी में, फंक्शन में पहन सकते हैं और जो है आपका लुक बहुत ही उभर कर आएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए, अगर आप इस तरह पीछे के साइड पर जो है मैंने ये थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि इसे क्लोज़ करें तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर सकते हैं। सेफ्टी पिन से इसे आप सिक्योर करेंगे तो ये भी लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से आपकी साड़ी बॉर्डर की होगी तो इससे जो है इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिएगा फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। अब हम देखेंगे कि हम दूसरा जो पल्लू है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो प्लेट्स है पल्लू के, वो प्लेट्स हमने बना लिए हैं। अच्छे से इसको प्लेट्स बना लेंगे, प्लेट्स को इक्वल बना लेना है और नीचे के साइड पर भी हम इसे सेट करने वाले हैं। इससे भी बहुत ही सुंदर और प्यारा उभर कर स्टाइलिश लुक आपका दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो राइट वाला शोल्डर है इस पर हमें ये पल्लू डालना है और पल्लू को हम वहाँ पर जो है ऊपर की साइड पर हमारे शोल्डर पर इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारा
पल्लू का नीचे वाला कॉर्नर है इसको उठाते हुए ऊपर की तरफ हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर डालेंगे और उसे टक इन कर देंगे। यहाँ पर जो बॉर्डर दिखाई देती है इसे भी हम इस तरीके से लेंगे, इसको हाथ से प्रेस करते हुए यहाँ पर जो है हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये इसका जो बॉर्डर का लुक है वो उभर कर दिखाई दे और बहुत ही सुंदर दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर जो है ये रिंकल्स आते हैं तो इससे इसका लुक बहुत ही उभर कर आता है। आप चाहे तो अब यहाँ पर भी मैंने ओपन रखा हुआ है, आप चाहे तो इस तरीके से भी इसे आप जो है इस तरीके से यहाँ पर इसको पिन से सेट कर सकते हैं, ये भी लुक बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हम दोनों तरीके से यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो देखिएगा दोनों भी लुक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं आप। तो अभी जो है मैंने टॉप निकाल दिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट ब्यूटीफुल ये लगता है और किसी को भी समझ में नहीं आता कि हमने साड़ी से ही ये क्रिएट किया हुआ है। तो देखिएगा कितना सुंदर लुक आया हुआ है, पीछे की साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। मैंने इसमें ब्लूश कलर का जो है ब्लू कलर का ब्लाउज पहना हुआ है और ये समझ में भी नहीं आता कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। और एक बात आपको कहनी थी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है, ये जो रिंकल्स है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये साड़ी की जो बॉर्डर है वो भी उभर कर दिखाई देती है और इसी से इसका लुक ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर लुक दिखाई दे रहा है। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप करेंगे और पार्टी शादी फंक्शन में आप पहनेंगे तो आपका लुक ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा, एलिगेंट दिखाई देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सुंदर रिंकल्स यहाँ पर आए हुए हैं, एक अलग तरीके का पल्लू हमने सेट किया हुआ है। नीचे की साइड पर भी देखिए कितना फ्लफी लुक यहाँ पर दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर ये लगता है। इसकी बॉर्डर, इसके जो रिंकल्स आए हैं यहाँ पर, ये जो ओपन वाला पल्लू रखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे अगर क्लोज़ करना चाहे तो आप इस तरीके से इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। और देखिएगा ये भी कितना सुंदर लगता है, आप चाहे तो ओपन रख सकते हैं या इस तरीके से इसे आप बॉर्डर से इसे इस तरीके का भी लुक इसे दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये हमने साड़ी से क्रिएट किया हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पर आया हुआ है। आई होप आपको ये पसंद आए। और तीसरा तरीका फ्रेंड्स, हमने जो ऊपर की तरफ पल्लू रखा था वो पल्लू को जो हमने प्लेट्स बनाए थे वो प्लेट्स न बनाते हुए इस तरीके से हम ओपन पल्लू भी इसका रख सकते हैं। देखिए लहंगे पर अगर हम इस तरीके से ओपन पल्लू लेंगे तो अलग ही तरीके का इसका लुक क्रिएट होता है और ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए यहाँ पर जो है इस बॉर्डर को जो है मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है और पीछे की साइड में इस तरीके से मैंने इसे टक इन कर दिया है और पीछे की साइड ओपन पल्लू है, पीछे की साइड भी ओपन रखा हुआ है, सामने ये ओपन पल्लू है और नीचे वाला जो लहंगे का लुक क्रिएट हुआ है। तो देखिए इससे कितना सुंदर लुक इससे उभर कर आया हुआ है। आप चाहे तो इस तरीके से भी आप पल्लू सेट कर सकते हैं, तो लगाना ब्यूटीफुल आपको ये फ्रेंड्स। देखिए नीचे के साइड पर भी कितना फ्लफी लगता है और बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक मुझे तो ये लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए तो मैंने दिखा दिया है फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर और उभर कर आपका लुक आएगा। नीचे पीछे के साइड पर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फोर स्टाइल किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे हाथ में जो है तो हमारा जो पल्लू है उसे हम पीछे की साइड से लेंगे, दोनों कॉर्नर को हम हमारे हाथ में पकड़ेंगे और इसको पीछे से आगे वाली साइड पर शोल्डर तक इसके जो पल्लू के कॉर्नर है वो लाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो है तो हम सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर देने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही अलग तरीके का और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक इससे क्रिएट होता है, एक जैकेट स्टाइल लुक इसका आता है। नीचे की तरफ लहंगा होता है और ऊपर की तरफ इससे हम जो है हमारे पल्लू से ये सेट करने वाले हैं, तो किसी को समझ में भी नहीं आता कि हमने इससे
इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस पर जो है तो हमें यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। और हम जो है हमारा एक वेस्ट बैंड होता है वो यहाँ पर लगाएंगे तो इसका लुक उभर कर आता है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने लगा लिया है और यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े रिंकल्स बना लेने हैं। एकदम प्लेन रखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा, इस तरीके से रिंकल्स बनाएंगे तो और भी उभर कर आएगा। देखिए चारों तरफ से पीछे वाली साइड पर भी कितना सुंदर लग रहा है और आगे वाली साइड पर भी कितना सुंदर लग रहा है। एक डिफरेंट तरीके का अलग ही न्यू स्टाइल में लुक ये दिखाई देता है फ्रेंड्स। मुझे भी ये लुक भी बहुत ही पसंद आया। तो देखिए इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब मैंने मेरा टॉप जो है वो निकाल दिया है और ब्लाउज़ पर ये आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में भी कितना सुंदर ये लगता है। एक बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, आप जो है किसी भी साड़ी को किसी भी लहंगे को आप ड्रैप करते हो तो उसका जो ब्लाउज़ होता है उस पर भी हमारा लुक निर्भर करता है। तो अच्छे से अच्छा हमारा ब्लाउज़ हो अगर हमने हमारा होगा तो वो अच्छा दिखाई देगा। मेरे जो एल्बो स्लीव ब्लाउज़ होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और किसी भी साड़ी पर जो है इसका लुक जो है वो उभर कर दिखाई देता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमने लहंगा लुक आज क्रिएट किया और अलग अलग तरीके के पल्लू भी देख लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।